हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सॉलिड स्टेट का फोर्थ पार्ट कवर करेंगे और इसमें हम लोग जानेंगे वॉइड्स और उनसे रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को। तो चलो सबसे पहले वॉइड्स पढ़ें, उससे पहले हम लोग को क्रिस्टल की जो क्लोज्ड पैकिंग है ना उसके बारे में पढ़ना है। तो आज का हमारा हेडिंग ही रहेगा क्लोज्ड पैकिंग। पहले बच्चों, इससे पहले की क्लासेस में हमने जो बीसीसी स्ट्रक्चर है, जो एफसीसी स्ट्रक्चर है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है, वो सारी बातों को हमने कवर किया है, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स को जाना है। आज देखो, आज ये क्लोज्ड पैकिंग पढ़ना है। एनसीईआरटी की बुक्स में अगर देखोगे ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिखता है, अजीब अजीब डायग्राम है, पता नहीं क्यों बनाया है, ऐसा लगता है, पर है बड़ा आसान। तो चलो बच्चे, पहले हम लोग क्लोज्ड पैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इसको कुछ पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे। पहला टाइप का जो क्लोज्ड पैकिंग रहेगा वो हमारा रहेगा वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। होता क्या है इसमें कि जो एटम है, एटम कैसे होते हैं, एटम स्फेरिकल होते हैं, लड्डू की तरह गोल गोल। देखिए, मुंह में लालच मत ला लेना भाई, पढ़ाई करो अभी। तो ये देखो, ये एटम है। जब एटम्स एक के बाद एक वन डायमेंशन वाली लाइन में रखे जाए ना, इस टाइप की क्लोज्ड पैकिंग को आप क्या नाम देंगे, वन डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग। इसमें होगा क्या, आप मान लो किसी बीच की एटम को आपने एज अ रेफरेंस सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं यहां से आपसे पूछूं बच्चे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, तो आप सीधे सीधे बोलेंगे सर ये एटम दो अलग अलग एटम के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है और उसी को हम लोग उसका क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर का मायने ही यही है कि एक एटम जब दो कितने एटम के डायरेक्ट टच में है, वही उसका क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंड वाला टू डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग ना, ठीक है। इसमें मैंने आपको बोला कि दो क्लासिफिकेशन देना है। पहला हमारा क्लासिफिकेशन रहेगा ए टाइप और दूसरा क्लासिफिकेशन क्या रहेगा, ए बी टाइप। अब ये है क्या ए टाइप, तो चलिए समझिएगा ए टाइप को। सामने देखो डायग्राम आ चुका होगा। ए टाइप में क्या होता है कि जो एटम्स हैं वो एक के नीचे एक पैरेलल सिमिलर एकदम एक के नीचे एक पैरेलल टाइप का अरेंजमेंट रखते हैं। अब उस पैरेलल अरेंजमेंट के कारण क्या होगा, ए इसलिए नाम ही दिया गया ना, क्योंकि एक जैसा है दूसरा उसके नीचे वैसा ही पूरा सीरीज बना है, थर्ड की सीरीज भी उसी के जस्ट पैरेलल में है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ए टाइप की सीरीज। इसमें प्यारे बच्चों अगर आप लोग देखेंगे, मान लो कोई सेंटर का बीच का एटम है, वो कितने एटम से इंक्लोज्ड है, तो आप लोग फोकस कर पा रहे होंगे डायग्राम में कि वो फोर डिफरेंट एटम से डायरेक्टली इंक्लोज्ड हुआ है। और जब वो फोर डिफरेंट एटम से इंक्लोज्ड हुआ है, तो आप देख पा रहे होंगे कि एक स्क्वायर टाइप की ज्योमेट्री बनी है। नीचे आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि एक ग्रीन कलर का एटम बीच में है और उसके चारों चार पिंकी लोग बैठी हुई है, अप्सरा ही अप्सरा टाइप की फीलिंग आ रही है उसको। तो ए टाइप का जो हमारा टू डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग रहेगा, उसमें आपको ये बात समझ में आया कि इसमें कैसा ज्योमेट्री बनता है, तो स्क्वायर ज्योमेट्री बनता है। और साथ ही साथ अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर पूछूं, तो क्लियर हो रहा है कि बीच का एटम चार पिंक अलग अलग एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया प्यारे बच्चों, फोर आया। तो ए टाइप वाला आपको समझ में आया, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों फोर आया ये बात क्लियर। अब बच्चों एबी टाइप में क्या होगा, तो ध्यान दो, बोर्ड पे फिर से एक नया डायग्राम आया। एबी टाइप में क्या होता है कि एक सीरीज है, एक के बाद एक बड़ा एटम लगे हुए हैं, उसके नीचे एक सेकंड सीरीज है, पर इसमें एक एटम छोड़ के सेकंड एटम से आपने स्टार्ट किया है, तो इसलिए इस बार थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे वाला जिगजैग टाइप का पैटर्न बन रहा है, इसलिए इस पैटर्न को हमने क्या नाम दिया, एबी पैटर्न। और आप बच्चों फोकस कर पा रहे हो कि जब मैं किसी बीच के एक सेंटर एटम को पूरी तरह से इंक्लोज्ड कर रहा हूं, घेर रहा हूं ना, उस समय वो एटम सिक्स डिफरेंट एटम के डायरेक्ट टच में है, इसीलिए यहां पर जो ज्योमेट्री बना है बच्चों वो कैसा बना है, हेक्सागोनल ज्योमेट्री बना है। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप साफ देख रहे हो कि हेक्सागोनल ज्योमेट्री बनी है, सेंटर में एक एटम है और सिक्स एटम उसके क्या है, सराउंडिंग है, चारों ओर उसके क्या है, छह अलग अलग एटम है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, सिक्स। तो नाम है बच्चों हेक्सागोनल, याद रखना हेक्सागोनल में कितने एटम्स लेना, नॉट सिक्स, सेवन, एक एटम तो बीच में रहेगा।
और सिक्स एटम उसके चारों ओर क्या रहेंगे, सराउंडेड रहेंगे। तो ये आपने वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग को समझा। अब बच्चों हम आएंगे हमारे थ्री डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग में, ठीक। तो अब चलिए देखेंगे हम लोग थ्री डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग। थ्री डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग इसमें भी पैकिंग को पीछे लिख दे रहा हूं। इसमें भी बच्चों दो कैटेगरी ले लाना। पहली कैटेगरी कौन सी है, तो पहली कैटेगरी आप लोग लेते हैं एबी एबी टाइप, एबी एबी टाइप। और सेकंड कैटेगरी आती है प्यारे बच्चों एबीसी एबीसी टाइप, ठीक है। एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे ना। पहला हम लोग क्या ले रहे हैं, एबी एबी टाइप। सेकंड है एबीसी एबीसी टाइप। एबी एबी टाइप में क्या होता है, तो आपके सामने डायग्राम आ चुका है, आप लोग इस बार साफ साफ देख सकते हैं कि ए बी ए बी में क्या होगा। ए देखो ए अलग रहेगा और बी अलग रहेगा, तो आप देख पा रहे हैं कि ए जो है वो पर्पल कलर का है, ऊपर है पर्पल कलर, नीचे पर्पल कलर है, बीच में कोई डिफरेंट कलर है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, एटम्स को मैंने अलग अलग कलरों से कोडिंग किया है। आप देख पा रहे हैं कि वो जो पर्पल कलर वाले हैं, ठीक है, उसमें सेवन एटम है, एक सेंटर में है और सिक्स एटम उसके सराउंडिंग है। मतलब वो क्या है, हेक्सागोनल है। वो कैसा है, हेक्सागोनल है। और नीचे वाला भी क्या है, हेक्सागोनल है। और बीच में क्या है, थ्री एटम का सेट है। और ये तीनों जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो एक थ्री डायमेंशनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसीलिए हमने उसको किस में कंसीडर किया, थ्री डायमेंशनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर एबी एबी टाइप। आपको डायग्राम तो समझ में आया। अब इससे रिलेटेड कुछ बात है बच्चों, एबी एबी टाइप में ऊपर हेक्सागोनल दिख रहा है, नीचे हेक्सागोनल दिख रहा है और सेंटर में थ्री एटम का कॉम्बिनेशन है। इसीलिए इस ज्योमेट्री को हम लोग नाम देते हैं एचसीपी ज्योमेट्री। क्या नाम देते हैं, एचसीपी ज्योमेट्री, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड ज्योमेट्री। याद रहेगा ये लैटिस ही बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड लैटिस। इंपॉर्टेंट बातें इसमें क्या क्या फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं आप वो जानिए ना। आप डायग्राम देख पा रहे हैं ठीक से कि भैया ऊपर सिक्स हेक्सागोनल है, नीचे हेक्सागोनल है। अगर मैं टॉप से देखूं, ये जो एचसीपी लैटिस जब मेरा बना है, अगर मैं ऊपर से देखूं तो ऊपर से देखने से मुझे ऐसा दिखेगा कि बीच में एक एटम है, उसका सराउंडिंग में कितने एटम है, सिक्स एटम है। बच्चों आपने बीसीसी प्रिमिटिव एफसीसी ये लैटिस के बारे में पहले से पढ़ रखा है। जब आप प्रिमिटिव पढ़ रहे थे तो आप देखते थे कि कॉर्नर में एट एटम्स आते थे और उन एटम्स का कंट्रीब्यूशन कितना आता था, 1/8। ये बात मैं क्यों सिखा रहा हूं बच्चों, क्योंकि मुझे चाहिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। चाहे तो हम डायरेक्टली डाटा रट सकते हैं, पर ये क्यों आया, कहां से आया, उस चीज पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ध्यान से समझना क्या होना है कि जब मैं एचसीपी स्ट्रक्चर को टॉप से देख रहा हूं, ऊपर से ऐसे वो नीचे है, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं सेंटर में एक एटम, उसके सराउंडिंग सिक्स एटम, मतलब कॉर्नर में कितने एटम है बच्चों, सिक्स। कितने एटम है, सिक्स। जब एट एटम कॉर्नर में आते थे तब कंट्रीब्यूशन 1/8 आता था, इस बार सिक्स एटम्स कॉर्नर में आए हैं इसलिए उनका कंट्रीब्यूशन आप लेंगे 1/6, ठीक है। ऐसे अगर देखोगे तो कॉर्नर में टोटल कितने एटम आए, तो टॉप कॉर्नर में सिक्स एटम, ऐसे ही बॉटम से कोई देखे तो बॉटम कॉर्नर में सिक्स एटम। मींस बच्चों यहां पर सिक्स एटम्स तो आएंगे, सॉरी 12 एटम्स हो गए ना, टॉप से सिक्स बॉटम से सिक्स, और उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/6 प्लस जो बीच के तीनों एटम है, ठीक है, जो बीच के तीन एटम थे वो तो बॉडी सेंटर टाइप का हो गया ना, बीचों बीच आ गया, तो बीचों बीच आ गया मतलब वो परफेक्टली इंक्लोज्ड है। तो ये परफेक्टली इंक्लोज्ड के लिए कंट्रीब्यूशन आप क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, ठीक है। प्लस जब आप हेक्सागन जो ऊपर बना हुआ था, हेक्सागन में सिक्स एटम तो नहीं थे, 7 एटम थे, एक बीच में था ना, देखो ना कलर एटम बीच में दिख रहा है, ठीक है, तो वो जो कलर एटम बीचों बीच दिख रहा है वो उस सिक्स एटम से सराउंडेड है। वो उसके लिए कैसा बिहेव कर रहा है, फेस सेंटर्ड की तरह, कैसा बिहेव कर रहा है, फेस सेंटर्ड की तरह। और फेस सेंटर का बच्चों कंट्रीब्यूशन लिया कितना जाता है, हाफ लिया जाता है। और ऐसे फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन आपने हाफ लिया और ऐसे कितने फेस सेंटर्ड आ रहे हैं, तो एक टॉप फेस पे और एक बॉटम फेस पे, क्योंकि ऊपर से एक हेक्सागन आया, नीचे से एक हेक्सागन आया, मतलब 2 इसमें मल्टीप्लाई करना। तो जब ये आप पूरा सॉल्व कर पाएंगे तब आप देखेंगे यहाँ z की वैल्यू ये हो गई 2, 2, 3, 5 और यहां से आएगा बच्चों 1, तो यहाँ z की वैल्यू आएगी 6। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट,
पूरे लैटिस में इकलौता एचसीपी ही लैटिस ऐसा है जिसके जेड की वैल्यू नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल की वैल्यू 6 आती है। तो ये पॉइंट बच्चों आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करो और एकदम याद रखना ना, सारे लैटिस में केवल जेड की वैल्यू केवल एक ही की मैक्सिमम है, किसकी? एचसीपी की। अब मेरे बच्चों अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कि भैया कोऑर्डिनेशन नंबर इस बार कितना आएगा, फिर से एनालाइज करो। एक मान लो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के नीचे आप देख पा रहे हो 3 एटम्स हैं, सिमिलरली ऊपर भी क्या आएगा 3 एटम्स, क्योंकि ज्योमेट्री क्या बन रही है ए बी ए बी ए बी टाइप की, ए में 6 है बी में 3 है फिर ए में 6 है बी में 3 है। तो बच्चों जब आप हेक्सागोनल को लोगे उसके सेंटर के बीच में एक एटम है, उसके सराउंडिंग 6 एटम है, तो भैया कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 आया ही आया, बट नीचे से 3 एटम ऊपर से 3 एटम ये दोनों भी तो उसके कांटेक्ट में रहेंगे, मतलब कि टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया 12। चाहे तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं इस फैक्ट को, अदरवाइज चीजें क्यों आ रही है कहां से आ रही है हम वो बातें भी जानते जा रहे हैं। सिमिलरली पहले बच्चों याद रखना एचसीपी के लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन या जो पैकिंग एफिशिएंसी आती है वो आती है 74%, बिल्कुल एफसीसी लैटिस की तरह एचसीपी का कितना आता है 74%। तो भैया वॉइड स्पेस कितना आ जाएगा, अगर वॉइड स्पेस अगर मैं कंसिडर करूं तो पैकिंग एफिशिएंसी 74% है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो लैटिस है उसका 74% एटम के थ्रू ऑक्यूपाइड किया जा चुका है, तो एम्प्टी स्पेस कितने बचेंगे ओनली 26%। ये सारे पॉइंट्स आप लोग एचसीपी लैटिस के रिगार्डिंग लिख रहे हो ना, अभी मैं एबीसी एबीसी टाइप वाले को अभी पढ़ाया नहीं हूं, ठीक है, केवल अभी एचसीपी चल रहा है। सिमिलरली बच्चों इसमें आप एक चीज और देखो, ए और आर के बीच का रिलेशन देखोगे तो आप साफ साफ देख पा रहे हो कि ये एक हेक्सागन बना था, ठीक है, और हर एक हेक्सागन के कॉर्नर पे एक एक एटम रखा हुआ है। हेक्सागन का जो टोटल लेंथ होता है वो कितना होता है, ए लेंथ, और ये आर है, ये भी क्या है आर, मतलब आप सीधे समझ गए ए इक्वल टू क्या है 2R। ए और आर के बीच का अगर यहाँ रिलेशन चाहिए तो ए इक्वल टू कितना आ गया 2R। तो ये सारे फैक्ट्स थे हमारे एचसीपी लैटिस के रिगार्डिंग। इसी में एक चीज और जान लेना, अगर हाइट चाहिए पूरे एचसीपी लैटिस का जो हाइट आया है ना, अगर वो हाइट चाहिए बच्चों तो वो होता है 4R मल्टीप्लाइड रूट 2/3, ये हाइट आता है और ये आईआईटी एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंसन में दे दिया था 3 क्वेश्चन एक साथ, और आप देखेंगे उस क्वेश्चन में जितने डाटा पूछे गए थे वो सारे डाटा आपके पास अवेलेबल रहेंगे। तो इस तरीके से आपने एचसीपी लैटिस को ठीक से जाना, कैसा बनता है एचसीपी लैटिस, तो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ट बनता है, एबी एबी ज्योमेट्री से जनरेट होता है, जेड की वैल्यू 6 आती है, क्यों आती है बातें क्लियर है। तो बच्चों ये हमारा एचसीपी लैटिस हुआ। अब हम लोग को हमारे सेकंड क्लासिफिकेशन पे बात करनी है, और वो हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है, तो 3 डायमेंशनल लैटिस हम पढ़ रहे हैं, और 3 डायमेंशनल लैटिस का सेकंड क्लासिफिकेशन ना ये हमारा 3 डायमेंशनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर चल रहा है अभी, ठीक, क्लोज्ड पैकिंग बस लिखता हूं। इसमें आपने एबी एबी वाले को तो पूरी तरह से डिटेल में जान लिया कि एबी एबी में क्या बन रहा है, एचसीपी बन रहा है। दूसरा क्लासिफिकेशन था हमारा बच्चों एबीसी एबीसी टाइप, एबीसी एबीसी टाइप क्या होता है तो ध्यान देना ना, इसमें क्या बना था, इसमें आपने देखा था एचसीपी बना था, जेड की वैल्यू 6 आई थी, पैकिंग फ्रैक्शन 74% आया था, ये बातें तो हो चुकी है, ठीक है, इनको अब मैं और रिपीट नहीं करता। एबीसी एबीसी में अब डायग्राम आप देख पा रहे तीन अलग अलग टाइप के एटम आया ना, ठीक है, अलग अलग कलर में आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, जब ये आपस में मर्ज करेंगे तब ये कैसा ज्योमेट्री बनाते हैं, तो ये एक एक समझ लीजिए कि क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड ज्योमेट्री बनाते हैं, और उसी को हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी बोलते हैं, मतलब यहां पर जो बनेगा यहां पर बनेगा सीसीपी ज्योमेट्री, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड ज्योमेट्री, या ये जो सीसीपी ज्योमेट्री रहेगा ना ये एक्चुअल में एफसीसी के जैसा ही रहेगा, उसी के प्रॉपर्टी कॉमन करेगा ना, और आप सबने एफसीसी में तो पढ़ी रखा है एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी आती थी 4, तो सीसीपी के लिए भी बच्चे जेड की वैल्यू कितनी लेना 4 लेना।
पैकिंग फ्रैक्शन आपको पता है एफसीसी के लिए कितना लेते थे 0.74 और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आती थी बच्चों 74%। तो सीसीपी के लिए जो एफसीसी है वही समझ लो एक हिसाब से सीसीपी के जैसा, सॉरी सीसीपी ज्योमेट्री जो है लैटिस जो है वो एफसीसी लैटिस के जैसा ही रहेगा ना, उसकी सारी प्रॉपर्टी को कॉमन करेगा। बट एफसीपी में यहां डिफरेंस आ जाएगा ये जेड की वैल्यू, ये बस एक पॉइंट पकड़ना। कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों अगर आप लेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें भी 12 आया था एफसीपी में, सीसीपी में भी क्या आएगा 12। पैकिंग फ्रैक्शन इसका भी 74%, इसका भी 74%। अगर मैं वॉइड स्पेस या एम्प्टी स्पेस की बात करूं तो भैया इसमें भी 26% आया, एचसीपी का भी 26% आता भी आया, और एक एबीसी एबीसी टाइप उसमें सीसीपी या एफसीसी बनता है। एक और चीज बच्चे एग्जांपल अगर देखोगे तो एचसीपी का एग्जांपल आप लोग के बुक में दिया है जिंक और मैग्नीशियम, एनसीईआरटी के बुक में केवल मेंशन किया है जिंक और मैग्नीशियम। बट एक ट्रूथ में बता दे रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि केवल जिंक और मैग्नीशियम ही एचसीपी लैटिस वाले ज्योमेट्री को शो करें। जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल में भी याद रखना स्कैंडियम की पूरी फैमिली, टाइटेनियम की पूरी फैमिली, मैंगनीज की फैमिली और आयरन की, इनके ग्रुप के ईच एटम, जो ये ग्रुप होता है ना टॉप से बॉटम वर्टिकल वाला, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, मैंगनीज और आयरन इनके ग्रुप के सारे फैमिली के मेंबर एचसीपी लैटिस को शो करेंगे। और वहीं अगर सीसीपी की बात करोगे बच्चों तो यहां पर आप लोगों को ग्रुप नंबर 9, 10, 11 लेना है। इसका मतलब क्या, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, ये पूरे के पूरे ग्रुप के मेंबर आप लोग को क्या करेंगे सीसीपी या एफसीसी लैटिस को शो करेंगे। और इसी में आपके बुक का अगर एग्जांपल दिया जाए तो सिल्वर और कॉपर बस दो ही दिया था, बट याद रखना कि कोबाल्ट, निकेल, कॉपर इस फैमिली के पूरे एलिमेंट सीसीपी लैटिस को शो करने वाले हैं। एक और चीज जो एचसीपी लैटिस होता है उसमें जो वॉइड आता है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल टाइप का रहेगा, और वहीं सीसीपी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जनरेट होंगे। अब ये टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है, यही चीज अब हम लोग को पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों आपने जो लैटिस है वो क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में क्या क्या किस किस टाइप का क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर देता है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये बात इनके बारे में बात किया। अब हम आएंगे हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट वर्ड्स के बारे में, चलिए इसको नोट कीजिए आप। तो चलिए डियर स्टूडेंट अब हम किसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, वर्ड क्या है और उससे रिलेटेड उसका क्लासिफिकेशन क्या है और उनकी अपनी अपनी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, या कौन सा वर्ड किस समय आएगा। तो सबसे पहले वर्ड का तो मतलब ही आपको क्लियर है ना, वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, तो आपने पढ़ा है कि भैया जब भी कोई भी जो सॉल्ट रहेगा, जैसे मान लो NaCl एक सॉल्ट है, वो एक क्रिस्टल है, तो हर एक क्रिस्टल में क्या होंगे, बहुत सारे एटम्स रहेंगे, वो जो एटम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे वो उसका क्या कहलाता है, पैकिंग एफिशिएंसी, और जो एम्प्टी स्पेस रह जाता है, जो खाली जगह रह जाता है वही क्या कहलाता है, वर्ल्ड या रिक्तिका कहते हैं हिंदी में। अभी कितने टाइप के होते हैं, वर्ल्ड का मतलब ही आप लोग समझ रहे हो ना, एम्प्टी स्पेस, वर्ल्ड का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, एम्प्टी स्पेस, जो खाली जगह बच गया। मान लो मैंने एक बड़ा सा कार्टून लिया और उसमें मैंने 50 बॉल्स रख दिए, ठीक है, टेनिस की बॉल्स जिससे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या पूरा स्पेस ऑक्यूपाई हो गया, क्या नहीं हुआ है। अगर मैं जाके उसमें रेत डालूंगा ना, अगर मैं उसमें बालू और डालता हूँ तो ऑब्वियसली बात है देखना उसमें 3-4 किलो बालू हट जाएगा, रेती हट जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि कुछ कुछ क्या था, स्पेस वर्ल्ड बाकी थे, वहीं पर तो जाके रेत ने ऑक्यूपाई किया उस स्पेस को। तो वर्ल्ड का मतलब ही क्या है, क्रिस्टल के अंदर बचा हुआ स्पेस, एम्प्टी स्पेस। इसमें कितने टाइप के वर्ड्स लेने हैं प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला हमारा वर्ड होता है दैट इज ट्रायंगुलर वर्ल्ड। क्या होता है ट्रायंगुलर वर्ल्ड, कैसे बनता है, तो ये बनता है, ये आप लोग को जनरेट होगा, जनरेटेड बाई थ्री एटम्स, जनरेटेड बाई थ्री एटम्स। समझना बात को, हमको पढ़ना है वर्ल्ड। वर्ल्ड पढ़ने के लिए ना थोड़ा सा हंसी मजाक की बात है, विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय बच्चन को याद कीजिए। अभी ये क्यों उनको हम लोग केमिस्ट्री में याद कर रहे हैं, तो उनका एक बड़ा प्यारा सा गाना था, निम्बुड़ा निम्बुड़ा निम्बुड़ा, अरे काचा काचा छोटा छोटा निम्बुड़ा लाई दो।
अरे लाई दो लाई दो लाई दो, क्योंकि हमको पढ़ना क्या है, अवॉइड करना क्या था आपसे, मैं कह रहा हूं कि बच्चों आप नींबू लीजिए, मान लीजिए, क्योंकि नींबू क्या स्पेकल है, नींबू संतरा कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब अंडे नहीं लेना, एक तो वो इलेप्टिकल होते हैं और अंडे टूटेंगे तो मम्मी अलग तोड़ेंगी। तो जब आप वर्ड पढ़ रहे हैं तो तीन निम्बूस को आप लोग एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रखिए, तो आप ये पाएंगे ना कि जो जंक्शन पॉइंट है जहां पर वो मिले हैं, वहां जो स्पेस बन रहा है ना, वो स्पेस कैसा बनेगा, ट्रायंगुलर बनेगा। आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे वो चीजें कि तीन एटम जहां पर कंबाइन हुए हैं उसके बीच में कुछ स्पेस आया है, और वही स्पेस क्या कहलाएगा, ट्रायंगुलर वर्ड। ठीक है बच्चों, तो ट्रायंगुलर वर्ड का मतलब तीन एटम से जनरेटेड वर्ड। इसकी क्या कुछ प्रॉपर्टीज भी रहती है, जैसे इसके रेडियस रेशियो की वैल्यू क्या आती है, ये सारी चीजों को मैं नेक्स्ट वीडियो में डील करवाऊंगा। पहले मैं आपको वर्ड से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। सेकंड वर्ड जो होता है बच्चों को होता है टेट्राहेड्रल वर्ड। अब ये कैसे बनता है टेट्राहेड्रल वर्ड, तो समझिएगा, आपने तीन नींबू तो रखे ही है, अब एक काम कीजिए उनके ऊपर से आप लोग एक और नींबू को रखिए। इसका मतलब कि ये किससे फॉर्म्ड होगा, तो ये फॉर्म्ड होगा फोर एटम्स से। टेट्राहेड्रल वर्ड किससे जनरेट होता है, तो फॉर्म्ड बाय फोर एटम्स, तीन एटम्स पहले से थे, मतलब समझ लो ट्राइगोनल वर्ड, या ट्राइगोनल वर्ड बोल लो, ट्राइगोनल वर्ड पहले से बना हुआ था, अब एक स्फेरिकल एटम ऊपर से और आके जुड़ गया, तो उस समय जो उनके जंक्शन पॉइंट पे जो वर्ड स्पेस जनरेट होगा ना, वो टेट्राहेड्रल टाइप का दिखेगा। इसीलिए उस वर्ड को हमने क्या नाम दिया, टेट्राहेड्रल वर्ड। आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, तीन नीचे थे, ऊपर से एक और आके इंक्लोज्ड किया और नया वर्ड बन गया टेट्राहेड्रल, डायमंड टाइप की ज्योमेट्री। थर्ड वर्ड हमारा प्यारे बच्चे एक और है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ऑक्टाहेड्रल वर्ड, अब ये वर्ड कितने एटम से जनरेट होता है, तो याद रखना ऑक्टा का मतलब आप लोगों ने केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एट पढ़ा होगा, यहाँ एट मत ले लेना ना भाई, पूरा काम बिगड़ जाने वाला है। ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है फॉर्म्ड बाय सिक्स एटम्स। ये वर्ड किससे फॉर्म होगा, सिक्स एटम्स, वही ज्योमेट्री ट्राइगोनल वाली फिर से लो, ठीक है। नीचे तीन एटम्स है, ऊपर से तीन एटम्स, थोड़ा टर्न करके एक दूसरे के ऊपर इंक्लोज किया, देख पा रहे होगे डायग्राम में कि तीन एटम नीचे हैं, ऊपर से तीन एटम है, ये दोनों जब एक दूसरे को जिस जंक्शन पॉइंट पे इंक्लोज कर रहे होंगे, उस समय जो वैकेंट स्पेस बचा हुआ ना, जहां इनकी मैचिंग हुई है, वहां पर ओ टाइप का बनता है, इसीलिए हम लोग उसको क्या नाम देते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों, ओ से, ऑक्टाहेड्रल वर्ड ओ। और टेट्राहेड्रल वर्ड को किस से रिप्रेजेंट करेंगे, टी से, ठीक है। अब आप लोग एक और डायग्राम देख पा रहे होंगे जिसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें सारे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को थ्री डायमेंशनल लैटिस में एक साथ एक्सप्लेन किया गया है। तो आप देख रहे हो कहीं कहीं पे टी आ रहा है, कहीं कहीं पे क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। इस तरीके से आपका तीन अलग अलग वर्ड्स आपको पढ़ना था जिसमें इंपॉर्टेंट आपके टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स ही हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, मैं इन वर्ड्स से रिलेटेड ना आपको कुछ इसेंशियल बातें बताना चाहता हूँ, और काम की चीजें वो हैं। अभी तो आपने बस ये देखा कि दिया वर्ड कितने टाइप के हैं, उसमें से दो इंपॉर्टेंट है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, कैसे यूज करेंगे, न्यूमेरिकल्स आते हैं ना इसके, आपके बोर्ड में, नीट में, जेई में कंटिन्यू पूछे जाने वाला पार्ट है, तो देखना न्यूमेरिकल कितना आसान रहेगा। मतलब आप क्वेश्चन देखो, आंसर निकालो, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं ना, इजी टॉपिक है वर्ड। करना क्या है इसको, आपको दो नोट यहां पे नोट पॉइंट कर लो ना, नोट, फर्स्ट नोट, जैसे मैंने आपसे हमेशा कहा है कि एक जो क्रिस्टल होता है उस, वो समझ लो एक लैटिस ले लो, क्रिस्टल ले लो, उसमें कुछ एटम्स रहेंगे, वो एटम्स कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, और जो स्पेस बच जाएगा वही स्पेस क्या कहलाएगा, वर्ड। आपको बच्चे पता है कि कोई भी जो क्रिस्टल बनता है, जैसे मान लो NaCl सोडियम क्लोराइड आयनिक क्रिस्टल है, तो सोडियम क्लोराइड दो चीजों से मिलकर बना ना, Na प्लस मतलब केटायन है और Cl माइनस एनायन। तो कोई भी जो क्रिस्टल बनता है वो एक केटायन और एक एनायन से मिलकर बनेगा, और केटायन का साइज रिस्पेक्टिव ऑफ एनायन के कंपेयर एनायन के साइज से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ये बात सबको पता है कि एनायन के साइज हमेशा केटायन के साइज से बड़े लिए जाते हैं। तो एक चीज तो हम लोग को पता है कि साइज ऑफ जो केटायन है वो हमेशा लेस होगा साइज ऑफ एनायन के।
बच्चों बात को समझना ना। तो सेकंड पॉइंट यहां से क्या निकलेगा कि आप मुझे बताइए क्रिस्टल के अंदर वैकेंट स्पेस या एम्प्टी स्पेस ज्यादा था कि पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा आ रही थी। आप देख रहे थे अलग अलग लैटिस में कि पैकिंग फ्रैक्शन 74% आ रहा है तो वॉइड स्पेस आपका 26% आ रहा है। मतलब कि जो स्पेस ज्यादा है वहां कौन जाएगा, एनायन जाएगा, और जो स्पेस कम है, जो शॉर्टेस्ट वाली स्पेस है, वहां कौन जाके बैठेगा, केटायन। तो यहां से बच्चों आप हमेशा ये जान लेना कि लैटिस के अंदर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये न्यूमेरिकल बनाने में बड़ा हेल्पफुल रहेगा। लैटिस के अंदर हमेशा कौन मिलेगा आपको, एनायन मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो बड़े साइज का है, उसको ज्यादा स्पेस चाहिए, वो लैटिस में जाके बैठेगा। और अगर आप लोग वॉइड की बात करेंगे तो वॉइड में कौन जाके बैठेगा, तो वॉइड में बैठेगा केटायन। ठीक है, लैटिस में एनायन रहेगा और वॉइड में केटायन रहेगा। इसी से रिलेटेड बच्चों में एक और नोट आपको लिखवा रहा हूं कि अगर मान लीजिए मैं कोई भी लैटिस ले रहा हूं, फॉर एनी लैटिस, हर लैटिस का अपना अलग अलग, अभी अभी आपने पढ़ा नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल अलग अलग होता है। जैसे बीसीसी का 2 होता है, एफसीसी का 4 लेंगे, सीसीपी का 4 लेंगे, एचसीपी का आपने पढ़ा था जेड की वैल्यू अभी 6 आई थी। तो किसी भी लैटिस की अगर बात किया जाएगा तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि वॉइड्स तो बनेंगे, क्योंकि बिना वॉइड के लैटिस पॉसिबल नहीं है ना। एटम स्पेरिकल है, वो वॉइड बनाएंगे ही बनाएंगे। तो अगर जनरेटेड ऑक्टाहेड्रल वॉइड चाहिए हमको, वो याद रखना प्यारे बच्चों, वो हमेशा एन, या उसी को मैं जेड नाम दे देता हूं ना, बुकों में एन लिखा रहता है, पर ये एन का मतलब ही क्या है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल ना, हम उसको हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते थे, जेड से। तो एन जेड समझ लो सेम है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाएगा कि जनरेटेड टेट्राहेड्रल वॉइड कितने आने वाले हैं, तो यार टेट्राहेड्रल वॉइड जो है ना वो 2n होते हैं, या इसी को 2z भी बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोल रहा हूं, आपके सामने एक बीसीसी लैटिस दिया है, नाम देते ही बीसीसी आप समझ गए कि उसके z की वैल्यू कितनी है, 2 है। क्लियर है? तो जैसे ही आपको z की वैल्यू मिली, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमेशा z के इक्वल है ना, n के इक्वल है, एन जेड समझ लो सेम है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि एक बीसीसी लैटिस में कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएंगे, तो प्यारे बच्चों 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आएंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने आएंगे, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमेशा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के डबल होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, डबल। तो बीसीसी लैटिस के लिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2 आया और टेट्राहेड्रल वॉइड 4 आएगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछ देता कि मेरा सीसीपी लैटिस है, क्या है सीसीपी लैटिस, नाम देते ही सीसीपी लैटिस क्लिक हो गया दिमाग में कि भैया आप जेड या एन की वैल्यू कितना लेने वाले हैं, 4। एफसीसी और सीसीपी दोनों के लिए जेड की वैल्यू 4 लेनी है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड वहां कितना आ जाएगा, 4। और टेट्राहेड्रल वॉइड अगर मैं बोलूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 8। तो दिस आर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपको इनको याद रखना है कि टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड का हमेशा क्या होता है बच्चों, डबल होता है। ठीक है, और एक बार क्रिस्टल का बस उसने नाम दिया ना, आपसे बोल दिया एचसीपी क्रिस्टल, HCP lattice, ये वर्ड बोलते ही बच्चों आप समझ गए कि Z की वैल्यू कितनी आई, 6। मतलब कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितना आएगा, 6, और टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड का डबल लेना ना, तो 12। ठीक है, तो कैसे वॉइड्स को काउंट करना है, आपको ये बात क्लियर हुई। अब कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखना है हम लोग को, तो चलिए इसको नोट कीजिएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, यहां पर 2 क्वेश्चन है, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन, वर्ड से रिलेटेड फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन के बारे में तो जाना हमने, बट उसको यूटिलाइज कैसे करना है उस पे आ गया। मजेदार रहता है ना, एकदम 2-2 सेकंड में आंसर आता है। ठीक है, सवाल देख लीजिए, दोनों सवाल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हैं, तो करने का है भाई। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, अ कंपाउंड इज फॉर्मड बाई 2 एलिमेंट एक्स एंड वाई। एक कंपाउंड है, 2 एलिमेंट एक्स और वाई से मिलाकर बनाना है, कोई एक केटायन होगा, कोई ऑब्वियसली कोई एक केटायन होगा। एटम्स ऑफ एलिमेंट वाई, वाई किसकी तरह रोल प्ले कर रहा है, एज एनायन। तो अच्छे समझ लो, सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, इसको सॉल्व कर लेना बड़ी बात नहीं है, सीखना था कि क्या क्या चीज हम लोग इसमें यूज करेंगे। एक सवाल अच्छे से समझ गया ना, वर्ल्ड का सारा सवाल आपसे लगेगा ना, चाहे किसी भी एग्जाम में पूछ ले। तो आप बस नोटिस कीजिए वाई किसकी तरह रोल प्ले कर रहा है, एनायन की तरह। मतलब आप प्यारे बच्चे समझ गए कि वाई को जाना कहाँ है, लैटिस में, कहाँ जाना है, लैटिस में।
और वो किस टाइप के लैटिस में जा रहा है? सीसीपी टाइप के लैटिस में। किस टाइप के लैटिस में जा रहा है? सीसीपी टाइप के लैटिस में। ये सीसीपी बोलते ही बच्चों को समझ में आ गया, ये जो सीसीपी बोला गया लैटिस, आप जेड की वैल्यू क्या ले लिए बच्चों? 4। जैसे ही जेड की वैल्यू 4 आया, आप इमीडिएटली समझ गए ऑक्टाहेड्रल वर्ड जेड के इक्वल आता है वो कितना हो गया, वो भी 4 आ गया। और जो टेट्राहेड्रल वर्ड होता है वो 2z के इक्वल आता है और वो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे? 8। ये इतना इंफॉर्मेशन आपको इस एक छोटे से वर्ड से मिल गई। सीसीपी बोलते ही जेड आया, जेड आते ही आपको ऑक्टाहेड्रल वर्ड और टेट्राहेड्रल वर्ड के टोटल नंबर मिल गए। आगे सवाल पढ़ते हैं। एंड दोज ऑफ द एलिमेंट एक्स एस केटायन, ये केटायन तो वर्ड में तो इसी को जाना है, किसको? एक्स को, ठीक है। ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, किस टाइप के वर्ड में जाना है? सवाल में आप देख पा रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड में जाना है। बच्चों बात को समझो ना, वाई जो है वो एनायन है, वो लैटिस के अंदर जाएगा, लैटिस के अंदर जाएगा मतलब सीसीपी के अंदर जाएगा, और सीसीपी के लिए जेड की वैल्यू कितनी है? 4। मतलब कि यहां समझे, नंबर ऑफ वाई एटम अगर चाहिए तो नंबर ऑफ वाई एटम चाहिए तो वो डायरेक्टली सीसीपी के लिए जो जेड आया उसके इक्वल ले लेना ना, सीधे 4। कहानी खत्म। एनायन के केस में जो क्रिस्टल का जेड का वैल्यू आता है, एन का वैल्यू आता है, जो भी नंबर आप लेना चाहो, एन या जेड एक ही चीज है, आप उससे डायरेक्टली इक्वेट कर देना ना एनायन को। पर जो केटायन है, केटायन पे चेक करना कि ये किस टाइप का वर्ड में एंट्री लिया है। तो हमको तो यहां समझ में आ रहा है कि किस टाइप के वर्ड में एंट्री लिया है, भैया ऑक्टाहेड्रल। आपने पहले से ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने आएंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड कितने आएंगे ये ला रखा है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ एक्स एटम अगर चाहिए जो कहा गया है प्यारे बच्चों ऑक्टाहेड्रल वर्ड में, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने हैं? 4 हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 4। तो अगर हमसे पूछा गया है केमिकल फॉर्मूला, कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला, तो भैया कंपाउंड तो केटायन एनायन दोनों के कंट्रीब्यूशन से बनता है। केटायन कौन है? एक्स, उसके कितने एलिमेंट है? 4। एनायन कौन है? वाई, उसके कितने एलिमेंट है? अगेन 4। तो देखो दोनों सेम टेबल में है, इसलिए केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा? एक्स वाई। तो इस तरीके से आपको डील करना है। आपको हमेशा क्रिस्टल का टाइप देगा, लैटिस का टाइप देगा, वो देते ही आपको याद रखना चाहिए ना, बीसीसी के लिए जेड 2 लेना ना, एफसीसी और सीसीपी के लिए जेड की वैल्यू या एन की वैल्यू 4 लेना, और एचसीपी के लिए 6 लेना। इतना पता चलते ही आपको टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का नंबर मिल जाएगा। उसके बाद सवाल में क्या कंडीशन अप्लाई किया उस हिसाब से बनाना, हमेशा आपके आंसर आएंगे, कभी गलत नहीं होगा। एक और सवाल देख लेते बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लो। चलिए ये क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्या कहा गया था इस क्वेश्चन में कि एटम्स ऑफ एलिमेंट बी, ऑब्वियस एक कंपाउंड है जो ए और बी दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना है, कोई केटायन का रोल प्ले कर रहा होगा, कोई एनायन का रोल प्ले कर रहा होगा। तो आपसे क्या कह रहा है, एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म्स एचसीपी लैटिस, फॉर्म्स एचसीपी लैटिस। अब बच्चे मैं आपसे ये पूछता हूं कि मुझे बताओ ये जो बी है, ठीक है, ये बी केटायन है कि एनायन है? तो आप समझ पा रहे हैं ना कि जो एटम ऑफ बी है वो लैटिस फॉर्म किया है, वो लैटिस के अंदर गया है भाई, मतलब वो एनायन है। बी क्या है? सवाल बस मत बनाओ, सवाल को समझो, उसके अंदर के पूरे सोल को एब्जॉर्ब करो। तो बी क्या हो गया बच्चों? एक एनायन हो गया, और वो एनायन किस टाइप का लैटिस बना रहा है? एचसीपी लैटिस बना रहा है। ये एचसीपी लैटिस बोलते ही प्यारे बच्चों आप समझ गए कि जेड की वैल्यू कितना लेना? 6। ये कॉन्सेप्चुअल बात याद रखना ना, जैसे जेड की वैल्यू 6 आई मेरे प्यारे बच्चों, आपको ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स मिल गए, वो तो हमेशा जेड या एन के इक्वल लेना, वो भी कितने हो गए? 6। और टेट्राहेड्रल वर्ड्स भी मिल गए, वो 2z के इक्वल लेना, वो कितने आ गए? 12। ये दो इंफॉर्मेशन तो हमको हमेशा लैटिस का टाइप पता चलते ही आ जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों नंबर ऑफ बी एटम अगर मैं कंसिडर करूं, नंबर ऑफ बी एटम, बी किस में का? एचसीपी में, तो उसके लिए जेड की वैल्यू कितनी आ चुकी है? या नंबर ऑफ बी एटम कितना आ चुका है? 6। बी तो हो गया। आगे पढ़ते हैं। एंड दोज ऑफ एलिमेंट ए, ए की बारी, ऑक्यूपाई, यहां कंडीशन अप्लाई कर दिया है। प्यारा सवाल ध्यान से समझना, इस सवाल को बनाने में सब बनेगा। ऑक्यूपाई 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स, मतलब जो ए है ना वो जितने भी टेट्राहेड्रल वर्ड्स बन रहे हैं
उसका केवल 2/3 हिस्सा ही कवर अप कर रहा है। इसका मतलब प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ ए एटम अगर मुझे चाहिए होता, ठीक है, टेट्राहेड्रल वर्ड बोला है तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने थे यार, टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने आए थे, 12 आए थे, उसका केवल 2/3 पार्ट ही कंसीडर करो। तो सॉल्व किए इसको, कितना आ गया आप देख पा रहे हैं, 8 आया। कितना आया? 8 आया। तो आपसे पूछा गया था केमिकल फॉर्मूला, तो केमिकल फॉर्मूला में ये बात अब सबको क्लियर हो चुकी है कि ए और बी दो रहेंगे, ए के कितने एटम्स हैं 8 और बी के कितने एटम्स हैं बच्चों 6, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, इसलिए एम्पिरिकल फॉर्मूला टाइप का अगर कंसीडर करूं तो A4B3 ये बन गया आपका आंसर। तो वर्ड से रिलेटेड सवाल कितने आसान है, आपको 2-3 बातों पे ध्यान रखना है कि कौन एनायन है, एनायन जाएगा लैटिस में, कौन केटायन है, केटायन जाएगा वर्ल्ड में, और एक बार लैटिस का टाइप पता चलते ही प्यारे बच्चों आप उसके जेड की वैल्यू लाते हैं, उसी को एन भी बोल दो आपकी किताबी लैंग्वेज में, तुरंत आपको ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड्स का जो कितना नंबर आएगा वो पता चल जाता है। तो चलिए इनको नोट कीजिएगा। आज हम लोगों ने बड़ी सारी इन्फॉर्मेटिव बातें की, वर्ड्स क्या है और कितने टाइप के होते हैं, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे लगाने हैं, और न्यूमेरिकल लगाते समय किन किन स्टेप्स को ध्यान में रखना है। तो उन स्टेप्स को अगर यूज करोगे ना, वर्ड्स के क्वेश्चन बहुत ईजिली बनेंगे। तो अब आपको जिस भी एग्जाम का क्वेश्चन बनाना हो, बोर्ड के हो या नीट में हो या JEE में आए हुए क्वेश्चन हो, आप उनको लगाइए, देखिए आप सारे सवाल अब आप लोगों से बन पा रहे होंगे। तो प्रैक्टिस करो बच्चों, और वीडियोस कैसे लग रहे हैं या कोई डाउट्स आता है तो कमेंट जरूर किया करो, तभी आपकी बात मुझ तक पहुंच पाएगी। तो चलो मिलेंगे अगले क्लास में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।